वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। बस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, उत्कर्ष का मन था कि आज बहुत ही खास दिन है तो उत्कर्ष आप सबका वेलकम करेंगे और बस ये था वेलकम। आज खास दिन क्या है? आज है फ्रेंडशिप डे, आज है उत्कर्ष के दादाजी का बर्थडे, आज है मेरे भाई का बर्थडे और आज मेरे चाचा जी का भी बर्थडे। मतलब मेरे घर में आज 3-4 बर्थडेज हैं, मायके में और यहाँ ससुराल में मेरे ससुर जी का बर्थडे है। तो आज सुबह से इतना अच्छा माहौल हुआ है ना घर का, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बताया था ना मैंने कि हम लोग तो घर घर के बस 4-5 लोग मिल के ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो दादाजी ने सबसे पहली बात कह दी थी कि बेटा बर्थडे के ही दिन सारी चीज़ें मत बना के खिलाना और सारी चीज़ें मत रखना, एक दिन आगे एक दिन पीछे से हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे और जो भी तुम लोग चाहो, जिस तरह की भी पार्टी चाहो वो मैं दूंगा। तो ठीक है, हम लोगों ने भी पापा को नया मोबाइल गिफ्ट कर दिया, वो बहुत खुश हैं उसे पाके। दिन भर यूट्यूब पे बहुत अच्छे भक्ति भजन और कवि सम्मेलन सब सुनते रहते हैं, उनका भी मन लग जाता है। और हम लोगों को भी अच्छी अच्छी ट्रीट देने का प्रॉमिस हुआ है तो वो ट्रीट शुरू हो चुकी है कल से। सो बारिश तो हो रही है, अच्छी खासी बारिश है, पूरा माहौल बारिश का है। सो दादाजी को जो जो चीज़ें पसंद है वो मैं कुछ तो बना चुकी हूँ, कुछ कल मैंने बना दी थी, कुछ आने वाले कल मैं बनाऊंगी। ऐसे ही करके हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और एज यूजुअल हम लोग जो है सुबह से ही, आप लोग देख सकते हैं मैंने बताया था ना कि बर्थडे या त्योहार कोई भी हो, मम्मी जी सबसे पहले मुझे पहना उड़ा देती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं कुछ रसोई में काम कर रही हूँ तो इनको उतार दे रही हूँ, एक कात कोई डाले रह रही हूँ, बाकी फुल टाइम ये खड़खड़ खड़खड़। हल्की फुल्की बारिश रुकी हुई है, ये देखिए ये माहौल है। और आज ये सुबह से हमारे घर का मौसम है, सामने अमरूद लगे हुए हैं और हल्की हल्की चीसी तो पड़ रही है, लेकिन ठीक है, हम लोग तो इंजॉय कर रहे हैं घर में रह के जो कर सकते हैं। तो हम दोनों पहले आपको, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल रहे हैं और आप लोग प्लीज़ मेरे पाऊ जी को और मेरे घर के बाकी लोगों को जिन जिन का आज बर्थडे है, विशेष जो है आशीर्वाद और अपनी विशेष दीजिएगा कि वो लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह हम लोग मिलजुल के इंजॉय करते रहें। बस आप लोगों से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे विशेष दीजिए और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और चलिए मिलके हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। मैं जो कुछ करूंगी अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। शुरू करते हैं। सो ये कार्ड है जो उत्कर्ष ने बनाया है, इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है जो उन्होंने अपने प्यारे दादाजी के लिए लिखा है। डियर दादाजी, आई विश दैट यू विल ऑलवेज बी फुल ऑफ एनर्जी, माई डे इज नेवर कम्प्लीट विदाउट यू अराउंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बहुत ही क्यूट लगा दादाजी को और दादाजी इसे अपने रूम में सजाए हुए हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मांग के लाए कि ज़रा दिखाइए दादाजी। सो लंच बनाने जा रही हूँ दोस्तों। लंच में मैं बनाऊँगी छोले चावल और पनीर बनाने का मेरा मन था, उत्कर्ष का भी मन था पनीर खाने का, उसने वही डिमांड की थी अपने दादाजी से। तो ये डिसाइड हुआ है कि इस समय छोले बन जाएं और शाम को हम लोग फिर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बना लेंगे। केक उत्कर्ष के चाचू बाहर से लाएंगे क्योंकि हम लोगों को इतना समय नहीं मिल पाएगा, घर में थक भी जाते हैं और घर घर का खा खा के ये लोग बोर भी हो जाएंगे। और देखती हूँ, और पकौड़े वकौड़े दादाजी को बहुत पसंद है तो वैसे ही कुछ मैं बनाऊँगी शाम के नाश्ते के लिए। अभी लंच बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों, छोले की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ इसलिए कुछ बताऊंगी नहीं, बस झटपट इसे बना लेती हूँ और साथ में मैं पुलाव रेडी कर ले रही हूँ ताकि हम लोगों का लंच अच्छी तरह से हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ज्यादा तेज मसाले वगैरह नहीं डालूंगी। Thank you.
दोस्तों शाम का समय हो गया है और मेरा किचन में जाने का टाइम हो गया है। मैंने मूंग भिगो कर रखी है ताकि मूंग की कुछ पकौड़ी बना सकूं, कुछ लौकी के बड़े या कोफ्ते बना सकूं। तो मैं देखती हूँ जो भी बना पाऊंगी बना पाऊंगी। तो अगर व्लॉग लंबा हो जाएगा तो मैं इसे कल भी शेयर करूंगी। और आप लोग बस बने रहिएगा और अपनी विशेष देते रहिएगा दोस्तों, और एंजॉय कीजिएगा, भर भर के एंजॉय कीजिएगा।